गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक रिव्यू और वो है बायोटीक के बायो फ्रूट व्हाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक का। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये फेस पैक या इसके वर्क तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लिया है जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएँ, अदरवाइज़ आप मेरा कोई भी वीडियो देख नहीं पाएंगे, टाइम से देख नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस प्रोडक्ट ने आपके लिए अच्छा वर्क नहीं किया है तो ये मेरे लिए भी अच्छा वर्क नहीं करेगा, या मेरे लिए इसने अच्छा वर्क नहीं किया है तो आपके लिए भी अच्छा वर्क नहीं करेगा। हर स्किन केयर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता है, बट वो डिपेंड करता है हमारे यूज़ करने के तरीके पर। तो आज की वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक टब पैक में आता है, ये आउटर पैकेजिंग के साथ भी आता है, बट इसकी आउटर पैकेजिंग मैंने थ्रू कर दी है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 199 रुपीज, जिसमें आपको 75 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है, तो आप इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। अगर बात करें स्किन टाइप की तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। अगर बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स की तो सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है पैक के नीचे, बट इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सभी नेचुरल और हर्बल हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए सेफ है। और बायोटीक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल पे भी टेस्ट नहीं किए जाते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। अगर बात करें इसके यूज़ की तो अगर आप टीनेजर हैं तब भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसे यूज़ करने की तो आप चाहें तो इसे डेली भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर जिस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब कि आप चाहें तो इसे डेली यूज़ करें या फिर 2 से 3 दिन का गैप करके उसके बाद ही यूज़ कर सकती हैं। अगर बात करें मेरे यूज़ की तो मैं इसे डेली यूज़ करती थी, बट अभी मैंने इसे फ़िलहाल यूज़ करना बंद कर रखा था, बट मैं जब इसे यूज़ कर रही थी तब मैं इसे डेली यूज़ कर रही थी। अगर बात करें इसके वर्क की तो इसका वर्क बहुत अच्छा है, बट आप इसे एक बार ट्राई करें उसके बाद ही आपको पता चलेगा। जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लें या इसे क्लीन कर दें। अगर बात करें वर्क की तो फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपको इसका वर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके फेस के पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को, या फिर अगर आपके फेस पे टैनिंग की प्रॉब्लम हो है तो उसे भी धीरे धीरे रिमूव कर देता है। अगर बात करें अदर लोगों की, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बायोटीक का ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, बट फिलहाल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। थोड़ा सा प्राइसी है क्योंकि 200 रुपीज का है, तो आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकती हैं, ये आपको इजीली 150 के बिलो मिल जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। ये था मेरा आज का वीडियो, होप मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जानना चाहूंगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। और आज की वीडियो में मैं नाम लूंगी इमरान खान का, तो थैंक यू सो मच इमरान आपके सपोर्ट के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बट जाने से पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। Bye.